Hello dear learners, in this video we are going to translate a conversation into English that will improve your day-to-day English and you will also learn a lot from it. So must watch the video till the end. So let's begin today's class. Well, ajira conversation kon rahiche se kon pai etha ku asuni mu janini ei sentence ko apan apan ko day to day conversation ne nihati use kartube but aku english re kemti kahibe semti kahiba ki kahinki se mu saha katha heuni mu janini. So let's know. सो हमरो फर्स्ट सेंटेंस अच्छी कि से कौन पाई एठा को आसुनी मु जानिनी. फर्स्ट में ट्रांसलेट करबा मु जानिनी. ओके तार इंग्लिश कोन हिजबो ना आई डोंट नो मु जानिनी आई डोंट नो. तापर हम ट्रांसलेट करबा कि से कौन पाई एठा को आसुनी. एटा कौन पाई एटा कोनसी ओरे क्वेश्चन वर्ड नहि बा प्रश्न पचरा जाउनी. नॉर्मली कह जाउ छ कि मु जानिनी से एठा को कौन पाई आसुनी. तो एटे हम जो व्हाई यूज करबा ना एटा हो रिलेटिव प्रोनाउन. ओके एटा कोनसी क्वेश्चन वर्ड नहि कि डब्ल्यूएच वर्ड नहि. तले हम कोन कहबा ना आई डोंट नो व्हाई. अपन एमति नॉर्मली अपन जानथबे कि डब्ल्यूएच वर्ड हो बा क्वेश्चन वर्ड हो तो तापर अपर कोन आसीथाय ना तापर हमर हेल्पिंग आसीथाय तापर सब्जेक्ट आसीथाय. पर जतळ हम एई सब डब्ल्यूएच वर्ड बा क्वेश्चन वर्ड को आज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करबा सेंटेंस रे तो हमर सेंटेंस ता तापर नॉर्मल ही रहबो जेमति कि हमर अफर्मेटिव सेंटेंस थाय. मींस हमर सब्जेक्ट रहबो तापर हमर हेल्पिंग वर्ब देन हमर मेन वर्ब रहबो. ओके सो सेंटेंस हमर कोन हिजबो ना व्हाई सी डजंट कम हियर बा व्हाई ही डजंट कम हियर. आई डोंट नो व्हाई सी डजंट कम हियर. से कौन पाई एठा को आसुनी मु जानिनी. तो एटा होचो हमरो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रे अछि कि से कौन पाई एठा को आसुनी बा आसु नाही. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रे नेगेटिव सेंटेंस अछि तो एठे हमें डू नले डज सहित नॉट यूज करबा. तो हमें ही एंड सी पकरे हमें कोन डज ही यूज करबा. ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा काहे कि से मो सह कथा हेउनी मु जानिनी. आई डोंट नो व्हाई सी डजंट टॉक टू मी और आई डोंट नो व्हाई ही डजंट टॉक टू मी. डजंट मींस डज प्लस नॉट. डज नॉट बा डजंट. ओके टॉक टू मी मो सह. टॉक टू मी कहले मो सहित बा मो सह. तो टॉक सहित सबले अपन प्रिपरेशन टू यूज करबे. नेक्स्ट सेंटेंस तुमे जानि छो कि कोन हेची. ए सेंटेंस ता सामना वाला को पचरा जाउ छी प्रश्न करा जाउ छी बा क्वेश्चन कराउ छी एंड इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके तुमे जानि छो कि कोन हेची. तो हमें फर्स्ट में ट्रांसलेट करबा कि तुमे जानि छो कि सामना वाला को पचरा जाउ छी. तो एटा जेहेतु उठे इंटरोगेटिव सेंटेंस तो एठे हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग रे यूज करबा. देन हमें सब्जेक्ट रहबो देन हमर मेन वर्ब रहबो. तुमे जानि छो कि डू यू नो. जते हमें कहि थांते कि से जानि छी कि तले हमें कोन कहि थांते डज ही नो और डज सी नो. ओके कहना ही सी सहित डज यूज करवा बट जेहेतु हमरो सब्जेक्ट यू अच्छी ता सहित हमें डू यूज करवा स्टार्टिंग रे हेल्पिंग वर्ब डू यूज कर. डू यू नो तुम्हें जानी छो कि बट तुम्हें जानो कि डू यू नो कौन है छी. कौन है छी व्हाट हैपेंड. तुम्हें जानी छो कि कौन है छी बट तुम्हें जानो कि कौन है छी. डू यू नो व्हाट हैपेंड. ओके तो ये जो हैपेंड लिखा है आपको अपन एमती भी स्पेल कर पारे कि हैपन व्हाट हैपन. ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखो कल मोर से बाटर भेट होता काले मोर से बाटरे भेट होता किंतु से मो आड़े देख लानि भी. तो फर्स्ट हमें ट्रांसलेट करबा काले मोर से बाटरे भेट होता एटा को टेंस रे पास्ट टेंस अच्छी. पास्ट टेंस अच्छी बट को कैटेगरी अच्छी आप भूल जातु कहीं गोटे टाइम मेनसन अच्छे कि काली. तो आप आखि बुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस रे हिं करेंगे. काले मोर से बाटरे भेट होता यस्टरडे आई मेट हिम ऑन द वे और यस्टरडे आई मेट हर ऑन द वे. ओके बाटरे ऑन द वे यस्टरडे आई मेट हिम on the way or yesterday I met her on the way kintu se mo are dekhilani bi but he didn't look at me dekhilani bi kana past tense re ache and negative sentence and eta amar co tense ache na past indefinite to sethile ki ame did plus not use kale to mo are dekhilani kaha jauchi na to mo are dekhibo look at me. okay but he didn't look at me jodi eta ame sentence kahitan ki yesterday I met her on the way to ame kahitan but she didn't look at me. ओके नेक्स्ट सेंटेंस मुताकु डाकिली किंतु से न सुनी चली गला. मुताकु डाकिली पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो जोटे की हमें डाकिबार इंग्लिश होची कॉल एंड तार हमें सेकंड फॉर्म बा पास्ट फॉर्म यूज करबा कॉल्ड. आई कॉल्ड हर और यू कैन से आई कॉल्ड हिम. ओके मुताकु डाकिली आई कॉल्ड हर किंतु से सुनी न सुनी चली गला बा किंतु से सुनिलानी चली गला. तो एठे हमें केमती यूज करबा बट ही लेफ्ट तो एठे हमें सी यूज करबा कहीं ना जेतु हर अच्छे तो हमें सब्जेक्ट सी यूज करबा बट सी लेफ्ट विदाउट लिसनिंग. न सुनी चली गला तो न सुनी की तो एठे हमें यूज करबा विदाउट लिसनिंग. ओके आई कॉल्ड हर बट सी लेफ्ट विदाउट लिसनिंग और यू कैन से आई कॉल्ड हिम बट ही लेफ्ट विदाउट लिसनिंग.
मुताकु डाकिली किंतु से नसुनी चली गला। नेक्स्ट सेंटेंस से एमिति काहे की करूछे, से एमिति काहे की करूछे, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस काहे कि हमें सामने वाला को पचारूछे कि से एमिति काहे की करूछे। तो एठी हमें जो वर्ड यूज करो व्हाई, इट्स अ डबल एज वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। व्हाई इज इट डूइंग लाइक दिस, तो वाई परे हमरो क्वेश्चन वर्ड परे डब्ल्यू एच वर्ड परे कोन असला हेल्पिंग वर्ब असला इज, तापर सब्जेक्ट रहला सी, तापर मेन वर्ब रहला डूइंग। व्हाई इज सी डूइंग लाइक दिस, से एमिति काहे की करूछि, और व्हाई इज ही डूइंग लाइक दिस, से एमिति काहे की करूछि। नेक्स्ट सेंटेंस से कोन मो परे रागीछि, एटा भी हमें सामने वाला को पचारूछे कि से कोन मो परे रागीछि, इज सी एंग्री विथ मी, और इज ही एंग्री विथ मी, से कोन मो परे रागीछि, इज सी एंग्री विथ मी, ओके से कोन मो परे रागीछि। जहाँ को हमें प्रश्न करबा सेटा हो जोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड सेठी हमें कोन करबा ना हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग रे यूज करबा, तापर सब्जेक्ट रहबो, तापर मेन वर्ब। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, काली मु तांको घर को जीबी आउ ता सह कथा हेबी। ए दुटा सेंटेंस हमरो कोथले अछि ना फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनेट रे अछि। काली मु तांको घर को जीबी, टुमारो आई विल गो टू हर हाउस, टुमारो आई विल गो टू हर हाउस, आउ ता सह कथा हेबी एंड टॉक टू हर, टुमारो आई विल गो टू हर हाउस एंड टॉक टू हर। ओके काले मु तांको घर को जीबी आउ ता सह कथा हेबी। नेक्स्ट सेंटेंस, काले तुमो ऑफिस छुट्टी अछि कि, काले तुमो ऑफिस छुट्टी अछि कि, ए सेंटेंस को एमते टाइप ऑफ सेंटेंस आमे पूर्वर भी ट्रांसलेट करि सछे, तो ए सेंटेंस आपन को पई काले तुमो ऑफिस छुट्टी अछि कि। ओके ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखबा, काले तुमे घरे अछो कि, आको मैं केमते ट्रांसलेट करबा, काले तुमे घरे अछो कि, ए जो वर्ड टा नाही कि अछो, एटा हमरो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को शो करू छी, जोति लागि आमे इज आम आर यूज कर परबा। तो आमे यूज होत कोन आर ही यूज करबा, एंड सेंटेंस टा हमरो कोन इंटरोगेटिव रहि छी, प्रश्न पचार छी, आमे सामने वाला को पचार छी कि काले तुमे घरे अछो कि, तो एटा आमे आर यूज करबा। आर यू एट होम टुमारो, आर यू एट होम टुमारो, किछि काम थिला कि, किसी काम थी, एटा भी सामने वाला को पचार जाऊ कि काम थी जोटा कि पास्ट टेंस को इंडिकेट कर, तो हेल्पिंग ऑफ डिड यूज करवा कि डिड यू हैव एनी वर्क। एंड ये मन रखते कि आप कहे कि स्टार्टिंग रे तो डिड यूज होती, तो ये हाव यूज ना कि हार्ड यूज हम पास्ट फॉर्म, बट ना डिड पर आम सब वी वन मेन वर्ब जो आस वन यूज करवा, ये हाव यूज गोटे मेन वर्ब। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ आम टे बाहर को जाई थांते, हाँ आम टे बाहर को जाई थांते, एटे में वुड हैव प्लस वी थ्री यूज करवा, यस वी वुड हैव गन आउट, यस वी वुड हैव गन आउट। ओके गो आउट मीन्स बाहर को जीवा, गो आउट इट्स अ फ्रेजल वर्ब, तो वुड हैव सहित आम वी थ्री यूज हम ना, तो से लगे गो रो थर्ड फॉर्म यूज कले गन। नेक्स्ट ठीक अच्छे मु तुमको रात जनबी, वेल आई विल गेट यू एट नाइट, एटा में गोटे वर्ड यूज कले कि गेट, गेट मीन्स टू इनफर्म, ओके जनईवा, तो एटा में यूज कले वेल आई विल गेट यू एट नाइट, ठीक अच्छे मु तुमको रात जनईबी, यस एंड आम टेन्स अच्छी फ्यूचर टेन्स एंड फ्यूचर इंडेफिनेट अच्छी, तो से यूज कले विल प्लस वी वन मीन्स गेट यूज कले, वेल आई विल गेट यू एट नाइट। ओके क्लियर।